हेलो भाई, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एग चाउमीन। और मेहूरानी रानी के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से एग चाउमीन। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, और बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। सेजवान चटनी के साथ और टेस्ट लगेंगे ये। तो देखिए, अगर हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, एक सब्सक्राइब कीजिए। ये लिया मैंने पैन, और उसमें पानी डाला। पानी उबल रहे हैं हमारे, बस उबालना है। उबालने के बाद पानी जब उबल जाए उसमें नूडल्स डाल देने हैं। ये रहे हमारे हाका नूडल्स, और इसे उबालने के लिए माने कि सोक करके छोड़ देनी है। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से पानी में सोक करके छोड़ दिया। इसे स्ट्रेनर में मैं निकाल रही हूँ, सारा पानी निकल जाएगा। देखिए सारा पानी निकल गया, साइड करके रख देनी है उसको। एक अंडा लिया है, उसमें काली मिर्च के पाउडर डाले हैं, नमक डाले हैं, और अच्छी तरीके से उसको फेंट लिया है। पैन लिया है, गर्म किया है, उसमें मैंने अनियन चॉप करके जो रखे हुए थे उसको काट करके उसको मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया। साथ में मैंने वेजीज भी डाले हैं, आपके पास जो वेजीज है वो डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, गाजर डाला है, पत्ता गोभी डाला है। और बच्चों को इस तरीके से आप अच्छे से सब्जी खिला सकते हैं। बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद आता है, उसी बहाने से वो वेजेज खा सकते हैं। मैंने जो अंडा रखा था उसको भी साइड में डाल दिया, और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है। इसका कच्चापन चला जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर आप सब्जी में इसको मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से चलाते हुए मैंने नूडल्स लिया, उसको इसमें ऐड कर दिया है। अब जो नूडल्स के मसाले थे उसको भी इसमें ऐड किया है। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी पानी डाली है हल्की सी, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। ये मैंने डिश आउट कर लिया है, और सेजवान चटनी डाला है। अगर बड़ों को खाना है तो सेजवान चटनी डालें, ताकि थोड़ा तीखापन बहुत टेस्टी आता है। और बच्चों को देना है तो अलग से आप दे सकते हो उनको। तो गाइज, हमारे वीडियोज़ पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।